सुकून देने वाली बातें छीन कर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाले कभी भूखे नहीं रहते। कभी कभी हम थक जाते हैं ये साबित करते करते कि बेशक हमारा तरीका गलत था पर इरादा नहीं। किसी को इतना मजबूर नहीं करना चाहिए कि वो अपनी खामोशियां तोड़कर लफ्जों से तुम्हारी धज्जियां उड़ा दे। किसी मजबूत पहाड़ का इतना बोझ नहीं होता जितना बेकसूर पर तोहमत लगाने का बोझ होता है। दूसरों की जिंदगी में आग लगाने से बेहतर है अपनी जिंदगी पर तवज्जा दे। बुरे इल्म बे इल्म रहना बेहतर है। इंसान की तरबियत का फर्क होता है, वरना जो सुन सकता है वो सुना भी सकता है। लोग अच्छा पढ़ने और अच्छा लिखने वाले को काबिल इंसान समझते हैं, जबकि हकीकत में काबिल वो है जो अच्छा सोचे और अच्छा बोले। जिंदगी बर्फ की तरह है, इसको अच्छे कामों में गुजारो, वरना ये पिघल तो रही है, खत्म भी हो जाएगी। किसी से इतनी तवक्कात वाबस्ता मत कीजिए कि तवक्कात टूटे तो आप ही साथ टूट जाए। अदब का तकाजा ये है कि हर एक की बात को ध्यान से सुना जाए, और एहतियात का तकाजा ये है कि हर किसी की बात को ना माना जाए। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज मुमकिन है लेकिन नजरिए का नहीं। कम खाने में सेहत है, कम बोलने में समझदारी है, और कम सोना इबादत है। कुछ लोग अपने आप को इंसान नहीं फरिश्ता समझते हैं, उनके काम भी फरिश्तों जैसे हैं, यानी दूसरों के गुनाहों और बुराइयों का हिसाब रखना। अच्छे लोगों को ठोकर मारोगे तो वो टूटेंगे नहीं, लेकिन फिसल कर तुम्हारी जिंदगी और पहुंच से बहुत दूर चले जाएंगे। जिंदगी में किसी ऐसे शख्स का होना जरूरी है जिसको कुछ भी बताने के लिए लफ्जों की जरूरत ना पड़े। इंसान परेशानियों की गिनती करने का माहिर है, लेकिन नियमतों का हिसाब रखना भूल जाता है। अगर खुश रहना चाहते हो तो ना उम्मीद रखो और ना ही शिकवा करो। मांगने वाले को दुनिया देती है और देने वाले को अल्लाह देता है। सबसे अच्छी जिंदगी वो बसर करते हैं जो अपनी जरूरत पूरी करने के लिए अल्लाह के सिवा किसी और पर भरोसा नहीं करते। लोगों के दिलों में अपना मकाम ऐसा बना लो कि मर जाओ तो तुम्हारे लिए दुआएं, और अगर तुम जिंदा हो तो फिर तुमसे मिलना पसंद करें। उन लोगों पर एतबार करो जो तुम्हारी तीन बातें भाप सके। एक, तुम्हारी हंसी में छिपा दर्द। दो, तुम्हारे गुस्से में छिपा प्यार। और तीन, तुम्हारी खामोशी में छिपी वजह। दिल में बुराई रखने से बेहतर है कि नाराजगी जाहिर कर दो। अपनी जिंदगी में ऐसे दोस्त को शामिल करो जो आईना और साया बनकर तुम्हारे साथ चले, क्योंकि आईना झूठ नहीं बोलता और साया साथ नहीं छोड़ता। गुलाब की उन पत्तियों की तरह बनो जो अपने मसलने वाले के हाथ में भी खुशबू छोड़ जाते हैं। सच्चाई और नेकी का रास्ता बेशक मुश्किल होता है, लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत होती है, जबकि बुराई का रास्ता बहुत आसान होता है, लेकिन मंजिल बहुत तबाही वाली होती है। जो शख्स अपने खुलूस की कस्में खाए उस पर कभी भी एतमाद ना करो। जिंदगी को बदलने में वक्त नहीं लगता, लेकिन वक्त को बदलने में जिंदगी लग जाती है। जब आंखें नफ्स की पसंदीदा चीजें देखने लगे तो दिल अंजाम से अंधा हो जाता है। जुबान एक ऐसा दरिंदा है कि अगर इसे खुला छोड़ दिया जाए तो फाड़ खाए। चार चीजों को चार चीजों से धोया करो, जुबान को जिक्र से, आंखों को आंसुओं से, गुनाहों को अस्तगफार से, और दिल को खौफ खुदा से। बोलना सबको आता है, बस किसी का दिमाग बोलता है, किसी का इखलाक बोलता है, और किसी की जुबान। नेक लोगों की सोहबत से हमेशा भलाई मिलती है,
क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। किसी की बदतमीजी से मत घबराए, वो बस अपना तारुफ करवाते हैं। समझदारी इसी में है कि आप उन्हें पहचान के आगे चल दे। बेसुकूनी की एक वजह यह भी है कि इंसान अपनी परेशानियों का जिक्र उन लोगों से करता है जो अकल से खाली होते हैं। अगर आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है तो अपने होठों पर सिर्फ एक मुस्कुराहट ही सजा लो। यकीन रखो कि आपका ये तोहफा हर शख्स से कीमती होगा। दूसरों की जिंदगी में शक्कर के दानों की तरह रहो जो गायब होकर भी अपना लुत्फ और जायका छोड़ जाते हैं। देना शुरू कर दे, आना खुद ही शुरू हो जाएगा, इज्जत भी और दौलत भी। जिंदगी में हमेशा दो बातें याद रखना, जब गुस्सा आए तब कोई फैसला मत करना, जब खुश हो तब कोई वादा नहीं करना। जब नाखून बढ़ जाते हैं तो नाखून ही काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। बिल्कुल इसी तरह जब किसी रिश्ते में गलत फहमियां पैदा हो जाती है तो गलत फहमियां खत्म करनी चाहिए, रिश्ते नहीं। दिल में उतरने के लिए सीढ़ी की जरूरत नहीं बल्कि अच्छे इखलाक की जरूरत होती है। समझदार वो नहीं जो ज्यादा पढ़ा लिखा हो, समझदार वो है जिसे पता होगी कब कहां और कैसे बोलना है। सोच समझकर बोला करो, अल्फाज नस्लों का तारुफ करवा देते हैं। अपना हक छोड़ना भी सदका है, खाली गुस्सा जबह कर दिया करो, ये भी एक सदका है। अगर किसी को तकलीफ देकर भी अच्छे से सो लेते हो तो अपने जमीर का जनाजा पढ़ लो, क्योंकि वो वफात पा चुका है। इखलाक का अच्छा होना अल्लाह से मोहब्बत की निशानी है। हर चीज अपने वक्त पर अच्छी लगती है। नेकी कमाने का सही वक्त जवानी है। हम नेकियां उस वक्त करते हैं जब हम बुराइयां करने के